हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओरेकल की तरफ से आने वाले कुछ एसक्यूएल और डेटाबेस के फ्री कोर्सेज के बारे में। तो अगर आप ऐसे ही जॉब इंटर्नशिप और एडुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ओरेकल के डेटाबेस के ऊपर 7 फ्री कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला कोर्स है ये है क्रूड ऑपरेशन यूजिंग CS, ओरेकल एंड पाइथन। तो इस वाले कोर्स के अंदर आपको कैसे पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर CS ओरेकल ड्राइवर्स का यूज़ किया जाता है ये यहाँ पर सिखाया जाएगा। अब ये जो क्रूड है CRUD, इसका मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस कैसे एक डेटाबेस के अंदर करने पड़ते हैं वो इस वाले कोर्स में आपको दिखाया जाएगा। तो ये एक बिगिनर लेवल का कोर्स होने वाला है। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको सिंपली साइन इन एंड टेक क्लास पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस वाले लिंक पे क्लिक करने से आपके सामने कुछ इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। तो अगर आपके पास ओरेकल का अकाउंट है तो आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल के साइन इन कर सकते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन ओपन होगा और यहाँ जाके आप अपने डिटेल्स को डाल दीजिए और फिर जाके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपके मेल पे एक ईमेल भेजा जाएगा जहाँ पर आपको इस अकाउंट को कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद जाके जो आपका ये कोर्स है आप इसको स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर इस कोर्स के डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 5 मॉड्यूल्स के ऊपर ये पूरा का पूरा कोर्स बेस्ड है और इसका जो डिटेल्स है हर एक मॉड्यूल का वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट कोर्स है ये है 9 गुड टू नो फॉर PL SQL एरर मैनेजमेंट। तो ये एक तरह से PL SQL के अंदर कैसे एरर्स को मैनेज किया जाता है वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो ये कोर्स भी एक बिगिनर लेवल का कोर्स है। तो और इसको भी आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टोटल 9 मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं इस कोर्स के अंदर। अब अगर नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो वो है डेटाबेस फॉर डेवलपर्स परफॉर्मेंस। तो ये एक इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है। तो इस वाले कोर्स में मेनली आपको सिखाया जाएगा कैसे आप डेटाबेस के परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं, यानी कि जो क्वेरीज वगैरह और जो SQL फंक्शंस हम रन करवाते हैं डेटाबेस के अंदर उसको कैसे आप फास्टर कर सकते हैं। और इसको भी आप यहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपका कुछ क्वेरी है इस कोर्स के रिलेटेड तो आप FAQ में जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कोर्स है वो है एनालिटिक SQL फॉर डेवलपर्स। तो ये इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का कोर्स है। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक हर एक मॉड्यूल को पढ़ाया जाएगा और इसको भी आप इस वाले बटन को क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। और नीचे आपको टोटल 6 मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं इस वाले कोर्स का। तो आप जाके यहाँ पर डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा गेट स्टार्टेड विद PL SQL टेबल फंक्शंस। तो ये भी इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है और इसको आप यहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं। तो इस वाले कोर्स में आपको टोटल 4 मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर PL SQL के अंदर टेबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है और टेबल्स से रिलेटेड कुछ फंक्शंस भी आपको इस वाले कोर्स में बताया जाएगा। और नीचे यहाँ पर FAQ सेक्शन है, आप जाके इसको चेकआउट करिए अगर आपका कुछ क्वेरीज वगैरह है। और अगर अगले कोर्स को देखें तो वो है डेटाबेस फॉर डेवलपर्स नेक्स्ट लेवल। तो ये भी एक इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है। तो अगर आप डेवलपमेंट के फील्ड में हैं और अगर आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना है और एक सर्टिफिकेशन भी लेना है तो आप इस वाले कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो इससे आपका नॉलेज और CV का वेटेज दोनों ही इंक्रीज होगा। तो इस वाले कोर्स के अंदर हमको बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, टोटल 10 मॉड्यूल्स, और नीचे आपको FAQ सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। अब अगर नेक्स्ट वाले कोर्स की बात करें तो वो है डेटाबेस फॉर डेवलपर्स फाउंडेशंस। तो ये एक बिगिनर लेवल का कोर्स है और इसमें आपको टोटल 12 मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको बेसिक डेटाबेस का नॉलेज दिया जाएगा इस वाले कोर्स के अंदर। तो इन सारे कोर्सेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इन सभी कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन से कोर्स को आप एनरोल कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलें। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।